मैं आज पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही कचौरी की हूँ। स्वाद वाली पूड़ी के लिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। हाफ कटोरी है ये। डेढ़ बोल मैंने गेहूं का सादा आटा लिया है, इसे छान लिया है मैंने। अब हम डो तैयार करेंगे। इसे एक बर्तन में ले लेंगे और इसके ऊपर लौकी डाल देंगे। ये नमक और हींग ली है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी रेसिपी से तैयार ये भुट्टे का पाउडर लिया है मैंने 1/4 कटोरी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ग्रेटेड भुट्टा भी ले सकते हैं कच्चा, और उसे मिक्स कर सकते हैं। बचा हुआ लिसोड़े का अचार है ये, इसका मसाला मैं इसमें डालूंगी। 2 टीस्पून डालना है। आप कोई भी अचार मसाला ले सकते हैं। इसका एक डो तैयार करेंगे हम अचार मसाला मिक्स करके। 1/4 कटोरी पानी लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार होगा। पूड़ी जैसा टाइट आटा लगाकर 5 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के एक सा करेंगे और लोई तोड़कर पूड़ियां बेल लेंगे। ये 4-5 पूड़ियां मैंने बेल के रख ली हैं। कुछ लोइयां हैं, ये आटा बचा है। अभी मैं इतना ही बना रही हूँ जितनी लोइयां और पूड़ियां दिख रही हैं। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने रख दिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें अचार का मसाला डाला है तो ये मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर आएगा, इसलिए मैं इन्हें ऑयल में तल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे। मीडियम ऑयल है, मीडियम गैस में गर्म किया है। कचौरी जैसा टेस्ट होता है इस पूड़ी का, एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप। अगर नहीं भी फूलेगी तो ये क्रंची पूड़ी बनेगी। टर्न कर देंगे। पूड़ी की थिकनेस आप देख सकते हैं, हमें इतना ही थिक रखना है पूड़ी को। ज़्यादा पतली करेंगे तो वो चीठी हो जाएगी और मोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। दूसरी पूड़ी डाल देंगे इसी में। गरम ऑयल को इस तरह से डालते हुए पूड़ी को तल लेंगे। निकाल लेंगे। कितनी क्रंची पूड़ियां बनी हैं, इसी तरह से हम पूरी पूड़ियां तल लेंगे। बिना मोयन की गर्मा गर्म पूड़ी ही सर्व कीजिए। कचौरी जैसे स्वाद वाली बिना बेसन की नमकीन पूड़ी रेडी है। इन्हें पानी वाले अचार के साथ, दही के साथ या चाय के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।